हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किए थे। और आज आपका जो यूनिट फर्स्ट का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखे, वहां से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के जो मेन टॉपिक है जिसमें हम देखने वाले हैं, माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का हिस्ट्री क्या है, कैसे आया, कब इसका इन्वेंशन हुआ, कितने साइंटिस्ट आए, किस तरह इसको मॉडिफाई किए, जब लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो गया, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे एडवांटेज इसका क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो जब चलिए ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब कर दे आप लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट में जो आपको माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में जो पढ़ना था। चलिए ठीक है, यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। आप लोग जानते होंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सेमेस्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये इलेक्टिव पेपर है, और यहाँ पे लेक्चर टू आ दिया है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग यूनिट फर्स्ट में, जो पढ़ना आपको माइक्रोवेव ट्यूब, ठीक है। तो माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में तो हम अभी थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे कि माइक्रोवेव ट्यूब आया कैसे। सबसे पहले माइक्रोवेव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोवेव इंट्रोडक्शन, यानी यहाँ पे आप माइक्रोवेव के बारे में जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे, उस वीडियो में माइक्रोवेव के बारे में हम लोग समझे थे। तो यहाँ भी चलिए उसको फिर से और ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बताए थे क्या माइक्रो, तो माइक्रो मीन्स क्या बताए थे, बहुत ही स्मॉल बताए थे। माइक्रो मीन्स क्या बताए थे हम लोग, स्मॉल बताए थे। और वेव मीन्स क्या होता है बताए थे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या हुआ इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यहाँ पे वेवलेंथ जो होगा सो क्या होगा, शॉर्ट होगा। कब शॉर्ट होगा, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी नथिंग बट यहाँ पे आप बता सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट शॉर्ट वेवलेंथ, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो शॉर्ट वेवलेंथ पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शॉर्ट वेवलेंथ कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी अगर आप गीगाहर्ट्ज़ में बात करेंगे तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो नैनोमीटर और मिलीमीटर में आपको आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रहेगा, वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये कि एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था सर, यह होगा लेमडा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से हम लोग ये डिफाइन किए थे लेमडा का वैल्यू जो होगा वो कम होगा जबकि आप फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप जब फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका डिक्रीज कर देगा। फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज कीजिएगा लेमडा का वैल्यू उतना ही डिक्रीज करेगा। तो ये चीज हम लोग वहां पे देखे थे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन की बात आपको बताएं, तो मेन आज तो फोकस ऑफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव के बारे में हम लोग आज पढ़ा। तो ये इंट्रोडक्शन आप वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताए थे, आज हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव के बारे में देखे थे। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव का था क्या, यानी जब इस चीज को पढ़े तो उसका कोई हिस्ट्री हुआ होगा। जो हिस्ट्री आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले जब यहाँ पे माइक्रोवेव की बात आई तो वहां पे हुआ क्या कि माइक्रोवेव में बहुत से वैज्ञानिक आए हैं, कुछ प्रिडिक्शन किए, कुछ पहले से एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उसको कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद उसको वो यूज किए, यूज करने के बाद पता चला कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ये डिमेरिट आई, जब डिमेरिट आई तो उसको दूर करने के लिए कोई और डिवाइस बनाया गया। तो ऐसे करते करते हम लाइट लास्टली कहाँ पे पहुंचे थे, माइक्रोवेव डायोड पे। लास्टली माइक्रोवेव डायोड आपको जो बताया जाएगा, ये सब हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले हुआ क्या था, इसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे कि एक नाम आपको बताया गया है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, यानी ये वैज्ञानिक क्या थे, ये वैज्ञानिक आपको बताए थे क्या यहाँ पे कि सबसे पहले इनसे पहले बहुत सा जो वैज्ञानिक था एक्सपेरिमेंट करके चला गया था, मतलब उसको यूज नहीं किए थे, बस क्या कहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका रिजल्ट दे दिए थे
और उसके बाद आगे कुछ किए नहीं थे। तो ये क्या, सबसे पहले ये कुछ काम नहीं किया, जितना भी प्रिडिक्शन किया, मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जो भी था, उसको सबसे पहले रिजल्ट को कलेक्ट किए, और रिजल्ट को कलेक्ट करने के बाद एक प्रिडिक्शन किए, और ये पूरा प्रिडिक्शन को कर नहीं पाया। उसके बाद कुछ हुआ होगा जिनके कारण से ये नहीं कर पाया, और ये 1864 में किए। उसके बाद ये क्या किए कि जो ये प्रिडिक्शन किए थे, उस प्रिडिक्शन को ये क्या कर दिए, कंफर्म कर दिए कि इनका जो प्रिडिक्शन किया हुआ था वो सही था। तो प्रिडिक्शन किया हुआ सही था, तो ये 1864 में अब यही प्रिडिक्शन को ये कंफर्म किए कब, 1888 में। हेनरी रडर क्या किए कि इनका जो प्रिडिक्शन किया हुआ था वो प्रिडिक्शन को यहाँ पे क्या कर दिए, सच साबित कर दिए। तो प्रिडिक्शन को ये सच साबित किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रिडिक्शन सच साबित किए, तो अगर वो सही है, हाई फ्रीक्वेंसी रियल में आप यहाँ पे पता चल गया, तो पहले क्या था, सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब के यूज करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब के जब यूज करते थे, तो वहां पे हम लोग ये देखे कि जब हाई फ्रीक्वेंसी अगर उसका इनपुट में दिए, इनपुट में हाई फ्रीक्वेंसी देखते थे, उसका ट्रांजिट टाइम जो है शॉर्ट कर गया। हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या हुआ, उसका ट्रांजिट टाइम क्या कर गया, शॉर्ट कर गया। ट्रांजिट टाइम कैसे शॉर्ट किया, जब लिमिटेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब देखेंगे तो वहां पे हम लोग बताएंगे कि ट्रांजिट टाइम क्या होता है। तो वहां पे यही हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी पर देखे तो वहां पे क्या हुआ, शॉर्ट कर गया। तो शॉर्ट कर गया, तो उसके बाद हम फिर देखना स्टार्ट किए कि क्या आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ, ट्रांजिट टाइम शॉर्ट किया। तो जब शॉर्ट कर गया, इस डिवाइस पे ये वर्क नहीं किया, तो इसके लिए एक स्पेशल आए थे क्या, AW यहाँ पे जो आए थे, ये आए थे, ये के कूर्स एंड एच बार कुशन 1920 में आए थे ये आए। तो क्या किए, जो यहाँ पे ट्रांजिट टाइम शॉर्ट किया था उसको सही करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस को लॉन्च किए, जो स्पेशल डिवाइस का नाम था BKO बार कुशन कर्व ऑसिलेटर, जो कब किए, 1920 में। अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना लंबा टाइम लग रहा होगा, 1888 में यहाँ पे क्या किए, किए सबसे पहले ये क्या किए कि उस पे प्रिडिक्शन जो किया था उसको कंफर्म किए। जब कंफर्म किए तो जो मार्कोनी जी यहाँ पे आए, फिर ये AW वाले थे, इन लोग भी कुछ काम किए। तो क्या किए, जब ये आया था, ये यहाँ पे मार्कोनी जी क्या किए थे कि जो आया था हाई फ्रीक्वेंसी ना, इसको रडार के थ्रू ये ट्रांसमिट किए। जब रडार के थ्रू ट्रांसमिट किए तो यूज क्या किए, तो वैक्यूम ट्यूब को यूज किए। तो वैक्यूम ट्यूब को यूज किए तो क्या हुआ, ट्रांजिट टाइम शॉर्ट कर गया, कब, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जब शॉर्ट किया तो ट्रांजिट टाइम को सुधारने के लिए एक स्पेशल बनाया गया डिवाइस, जिसको बार कुशन कर्ज ऑसिलेटर, जो कि जनरली के कर्ज और एच बार कुशन के नाम पे ये ऑसिलेटर को बनाया गया। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि जनरेट जो फ्रीक्वेंसी हुआ, जो आउटपुट पावर जो हुआ, क्या यहाँ से लिमिटेड हो गया। तो इसके बाद 1921 में फिर आया क्या, AW हाल, ये क्या किए, ये एक स्पेशल डिवाइस बनाए जिसका नाम है आपको मैग्नेट्रॉन, आप लोग को बताया जाएगा मैग्नेट्रॉन, या ये AW जो स्पेशल डिवाइस मैग्नेट्रॉन को डेवलप किया, और डेवलप करने से इसके में बहुत सारा आपको बेनिफिट आया, जब मैग्नेट्रॉन बताएंगे तो आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको यहाँ तक 1920 तक ये क्लियर। अब आपको जो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे WW हैंसन और DL है, ये जो क्या की वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, यानी जब यहाँ पे माइक्रोवेव ट्यूब में बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा था, यानी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन नहीं हो पा रहा था, तो ये क्या किए, W हैंसन और DL क्या किए, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मैकेनिज्म को किए, जिससे ट्रांजिट टाइम क्या हो गया, मेरे लिए एडवांटेज आ गया। यहाँ पे BKW में एक स्पेशल ऑसिलेटर बनाया, यहाँ पे बनाया जिसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ये बार किया, और ट्रांजिट टाइम जो आपको है यहाँ के बाद, इसमें क्या देखा गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, एडवांटेज साबित हो गया। यहाँ पे ट्रांजिट टाइम क्या हो गया, ट्रांजिट टाइम जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कहाँ पे, तो मार्कोनी जी क्या किया, ट्रांसमिट किया है फ्रीक्वेंसी पे, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या आने लगा, हमको कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने उसके लिए स्पेशल बनाया गया ये। और उसके बाद यहाँ पे हैंसन जी क्या किया, यहाँ ट्रांजिट टाइम जो है मेरे लिए एडवांटेज के रूप में क्या किया, काम कर गया। एडवांटेज आ गया, तो यहाँ पे क्या, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मेरा जनरेट हो गया। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के साथ साथ हमको ये भी जनरेट, तो उसके बाद एक आया था 1937 वैलियन ब्रदर,
इसका वैरियन ब्रदर की इसका दोनों का नाम था क्या था, वैरियन ब्रदर का नाम ये था, एक का नाम था एसपी वैरियन जो कि यहाँ पे क्लिस्ट्रॉन का क्या किए थे, इन्वेंशन किए थे, लेकिन क्लिस्ट्रॉन को इन्वेंशन किए थे। तो ये जो किया था क्लिस्ट्रॉन बहुत, अब सिलेबस एनालिसिस जो हम बताए थे उसको हम क्लियर किए होंगे, क्लिस्ट्रॉन के हमको तीन भाग में हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे। तीन भाग में जो हम लोग डिवाइड किए थे तो उसमें देखे क्या थे, एक वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, एक मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो वही यहाँ पे क्लिस्ट्रॉन जो ये दोनों भाई ने मिलकर एक क्लिस्ट्रॉन को इन्वेंशन किया था, कब किया था 1937 में। इसमें क्या किया था, हमको आउटपुट पावर भी मिल गया, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे ये वर्क भी करने लगा, और ट्रांजिट टाइम जो मेरे लिए दुश्मन बन के खड़ा था वैक्यूम ट्यूब में, वो इस ट्यूब में क्या हो गया, इसको फ्रेंडशिप बन करके इसको हम लोग काम करने लगे, यानी ट्रांजिट टाइम यहाँ पे आज एडवांटेज हम लोग को वर्क करने लगा। तो ये इसका क्या था, ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव था, इस तरह से इसको इन्वेंशन हुआ। और यहाँ से बाद आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, आपसे शायद ये पूछ दे एग्जाम में, नहीं तो फिर डायरेक्ट चार नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव आप लिख सकते हैं, तो चार नंबर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग देखे नोवा डेज, अगर देखा जाए तो इसमें हमने इस तरह से काम किया, क्लिस्ट्रॉन आया, वहां से के बाद हम लोग बहुत से डिवाइसेस को देखेंगे, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस आया नोवा डेज, ये हम लोग हर जगह यूज हो रहा है, चाहे आप कम्युनिकेशन पर्पज ले, मेडिकल में आप चले जाइए, यानी कि और अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वहाँ फ्रिक्वेंसी जो यूज होता है गीगाहर्ट्ज़ में यूज होता है। तो यानी आप कह सकते हैं नोवा डेज जो इसका दिन पर दिन जो इसका मांग है वो बढ़ते गया, इसमें इसमें क्या मॉडिफाइड होते नोवा डेज इस टाइम इतना इसका डिमांड बढ़ गया है कि आप बता नहीं सकते, हर एक चीज में आपको इसमें यूज आने लगा। इसमें मेडिकल में जाइए तो उसमें एक रेडियो थेरेपी होता है जिसमें देखेंगे कि वहां पे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या कर दिया जाता है, बाहर कराया जाता है, यानी हर एक केस में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो इसका एप्लीकेशन एडवांटेज हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखते हैं क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, यहाँ से देखेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा इसका क्या हिस्ट्री, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज देखेंगे। जब ये माइक्रोवेव का एडवांटेज आया, जब माइक्रोवेव यहाँ पे ट्यूब आए इसका एडवांटेज बहुत सारा है, जब पहले इसका यूज करते थे तो कुछ वैक्यूम ट्यूब में इसको एडवांटेज नहीं मिल पाता था, ये वहाँ पे डिसएडवांटेज के रूप में पड़ता था, लेकिन जैसे ही माइक्रोवेव ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोवेव ट्यूब आया हमारे दुनिया में आया तो इसे बहुत सारे एडवांटेज को लेकर गया, क्योंकि सबसे फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा इंक्रीज द बैंडविड्थ को यह क्या इंक्रीज किया, जब बैंडविड्थ इंक्रीज हुआ तो हम लोग ज्यादा एक बार में ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो यानी बैंडविड्थ को इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखा जाएगा एंटीना के बाद बताया जा रहा है कि इम्प्रूव द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज को क्या क्या इम्प्रूव किया गया, इसमें देखेंगे कि बैंडविड्थ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी लैम्डा बाय डी, यहाँ डायरेक्टिव को जितना यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज करेंगे तो ये बैंडविड्थ उतना ही डिक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्टिव की क्या हुआ यहाँ पे इम्प्रूव किया गया। बिना फैडिंग इफेक्ट और रीएबिलिटी, ये जो आप लोग पढ़े होंगे रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन में, ये चीज आपको पढ़ना था सबसे फास्ट में, तो उसमें भी यहाँ बेनिफिट मिला। पावर रिक्वायरमेंट यानी पावर का रिक्वायरमेंट हो रहा था वहाँ पे कम मिल रहा था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा था, तो भी यहाँ पे क्या हो गया हम लोग को दूर हो गया। यहाँ पे एंटीना गेन एंड डायरेक्टिविटी, तो यहाँ भी माइक्रोवेव ट्यूब आया तो वहाँ पे देखेंगे इसके एडवांटेज, जो एंटीना गेन जो ट्रांसमिट और रिसीव करने का जो गेन होता है वहाँ पे इसमें गेन में भी चेंजिंग आया, इसके डायरेक्टिविटी में भी चेंजिंग आया, तो ये आपका एडवांटेज कर्म आएगा, क्योंकि ये आप अभी से ही कर लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये गिविंग क्वेश्चन रहता है, नहीं आप लोग को बिलीव है तो आप 2019 या 20 का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है व्हाट इज माइक्रोवेव एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन गिवन रहता है, तो आपको ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बताया गया, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चले, आप जो सबसे पहले क्या स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप लोग ये लिख लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपको नोट्स भी बन जाएगा और साथ साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप देख ले एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव, ये भी आपको लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन आता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव का क्या होता है, तो ये होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसका एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम करने का मतलब हर तरह के आप लोग संचार के बारे में हम लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे क्या इसका यूज हो रहा है, अगर वहाँ पे यूज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं,
तो वहाँ पे हम लोग ये सोचे कम्युनिकेशन पर बस स्पेस वे कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे स्पेस वे में बहुत से सैटेलाइट का यूज किया जाता है, वहाँ पे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का ही यूज किया जाता है। जैसे टेलीमेट्री आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को यूज किया जाता है। अब सेकेंड है क्या, रडार एंड नेविगेशन। रडार नेविगेशन कहने का मतलब इसमें जहाँ पे रडार का एप्लीकेशन होता है या जो रडार जो बर करता है जिस फ्रिक्वेंसी पे बर करता है उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे रडार नेविगेशन में भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को यूज किया। ये है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग होता है जो हम लोग रिमोट की जैसे कोई भी टीवी का रिमोट हो या फिर आप किसी चीज का एसी का रिमोट हो या फिर एनीथिंग आपको रिमोट हो तो सब वहाँ पे रेडियो भी फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं तो वहाँ पे रिमोट सेंसिंग में भी इसका यूज किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशन में आपको जो एक्सरे होता है मैं जो थेरेपी यूज किया रेडियो थेरेपी यूज किया जाता है तो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे बात करवाया जाता है। उसमें जो फ्रिक्वेंसी होता है रेडियो थेरेपी का 10^24 हर्ट्ज होता है। आप सोच सकते हैं मेडिकल एप्लीकेशन 10^24 हर्ट्ज यूज किया जाता है रेडियो थेरेपी में। ये कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं आप इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। मेडिकल में भी इसका यूज होता है। फिर आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसको बहुत ज्यादा यूज होता है। जो बहुत से इंडस्ट्रियल है जो हम लोग को कम्युनिकेशन पर्पज से बहुत से इंडस्ट्री जो वर्क करवाता है जिससे जहाँ पे आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पज में आप इंडस्ट्री जैसे सेटेलाइट या दूरदर्शन का आपको नाम सुने होंगे जहाँ से बहुत सा न्यूज चैनल जो वहाँ से रेडिएट किया जाता है तो वहाँ पे क्या वहाँ पे भी एक माइक्रोवेव यानी हाई फ्रिक्वेंसी में पर कराया जाता है। आप लोग और क्या इसको देख सकते हैं डेली लाइफ में जो टीवी पे जो आप लोग देखते हैं तो वहाँ भी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे ही उसका सेटेलाइट के थ्रू जो हम लोग को आता है वेव वही माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे ही बर कराया जाता है। तो ये ओवरऑल देखा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बर करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे माइक्रोवेव क्या होता है उसके बाद उसका हिस्ट्री देखे कि किस तरह से और कब इसका कौन वैज्ञानिक कब आए किस तरह से उसमें चेंजिंग आया इम्प्रूवमेंट आया उसके बारे में देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव वहाँ पे माइक्रोवेव का क्या देखे एडवांटेज देखे और फिर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव माइक्रोवेव का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो देखे। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं अभी कि इसका फ्रिक्वेंसी बैंड डायग्राम देखेंगे यानी इसका जो माइक्रोवेव का एक स्पेशल बैंड डिजाइन किया गया है उसके बारे में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम है इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए लिखने के बाद ये समझिएगा। तो हम बताएं कि आपको पहले भी तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो होगा वो स्पेशली इसका डिजाइन किया रहेगा एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी इसका नाम है गीगाहर्ट्ज जो आपको देखने को यहाँ पे देख रहे होंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम जो पूरा फ्रीक्वेंसी का बैंड स्पेक्ट्रम है जिसमें सबसे पहले रीजन है माइक्रोवेव बैंड डेफिनेशन है और फ्रीक्वेंसी है। तो देख रहे हैं इस सीरीज में तीन रीजन में डिवाइड किया गया है रीजन को एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन माइक्रोवेव रीजन और मिलीमीटर वेव रीजन। तो तीन रीजन तो आपको पढ़ना किया है माइक्रोवेव रीजन और आपको बता दे यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर फिक्स है यहाँ सबको आएगा सेमेस्टर में सेमेस्टर ही नहीं आपको हो सकता है तो कंपटीशन में भी यहाँ सबको ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्योंकि तो बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हाई फ्रीक्वेंसी इसको शॉर्ट में एचएफ लिखे है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वीएचएफ यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसके बारे में आप कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे जो आप एडवांस कम्युनिकेशन में आप पढ़ सकते हैं इसको देख सकते हैं नहीं तो फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको कम्युनिकेशन पढ़ना था वहाँ भी आप इसको देख लोगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी को जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 3 से 300 MHz होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का 30 से 300 MHz होता है यूएचएफ का तो होता है मतलब 300 to 1000 MHz। और आपको ये आपको जो माइक्रोवेव रीजन है ये आपको रट जाना है किसी भी हाल में आपको अभी बताएंगे इसको शॉर्ट तरीका क्या है आपको याद करने का। तो यहाँ पे एल बैंड है तो एल बैंड को आपको 1 से 2 हर्ट्ज है एस बैंड 2 से 4 हर्ट्ज है गीगाहर्ट्ज है सी को सी है 4 to 8 GHz एक्स है 8 to 12 GHz और क्यू बैंड है आपको 12 to 18 GHz का बैंड है आपको 18 to 27 GHz का बैंड है 27 to 40 GHz
और यहाँ पे मिलीमीटर बैंड है जो बहुत और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो बी बैंड है 40 to 75 GHz और डब्ल्यू है 75 to 110 GHz। तो ये अभी आप लोग देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रेंज और कौन कौन बैंड का कितना रेंज होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में वो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक है, मतलब जो यहाँ तक ये से जो क्वेश्चन आएगा इसको बोलते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ सबको पूछने वाला है एल से पातर। तो आपको यहाँ बता दे इसको आपको याद इस वे में करना है कि आप भुलाइएगा नहीं, कंफ्यूजन होना नहीं है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे आपको बता दे यहाँ पे लोकल स्कूल सेंटर एक्स टू का ये आपका सिंपली ट्रिक है। ये आपका क्या है इसको हम लोग ट्रिक बोल सकते हैं, याद करने का तरीका। तो इसमें देखेंगे क्या एल से क्या हो गया लोकल, ए से क्या होगा स्कूल, सी से क्या होगा सेंटर, एक्स टू के यू से कू का यहाँ पे लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का ये तो आपको याद हो गया होगा लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का। अपने से बोलो लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का ये 4 से 5 बार आप लोग बोलिए आपको याद हो जाएगा। अब रहा बात इसका फ्रीक्वेंसी रेंज किस तरह याद करें, तो देख रहे हैं 1 से 2 जस्ट डबल हो रहा, 2 से 4 जस्ट डबल हो रहा, 4 to 8 जस्ट डबल, 8 to 12 यहाँ से आपको चेंज नहीं करना। तो आपको माइंड में थोड़ा रखना पड़ेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 27 और 27 to 40 यहाँ से आपको यही रहेगा। और बी डब्ल्यू लास्ट में आप याद कर लीजिएगा, तो 40 75 75 to 110। तो ये आपका हो गया क्या फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम जो यूनिट 2 में आपको इंट्रोडक्शन के बाद ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोवेव ट्यूब, जिसका इंतजार था वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखेंगे क्या लिमिटेशन ऑफ कॉन्वेंशनल ट्यूब, कॉन्वेंशनल ट्यूब में क्या क्या डिमेरिट आई थी। शायद वहां से भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उससे पहले भी क्वेश्चन इससे आया हुआ है। इससे हम सोचेंगे क्या कि पहले कॉन्वेंशनल ट्यूब का जो लिमिटेशन था वो आप लोग डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कॉन्वेंशनल ट्यूब में क्या क्या कमियां थी जो हम लोग माइक्रोवेव ट्यूब में क्या किए दूर किए। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेंशनल ट्यूब का लिमिटेशन पढ़ लेंगे। कॉन्वेंशनल लिमिटेशन पढ़ते ही डायरेक्ट हम लोग आएंगे माइक्रोवेव ट्यूब, जो कि आपका बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है। इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब, माइक्रोवेव ट्यूब का टाइप देखेंगे, उसका क्या होता है, एम्पलीफायर होता है, ऑसिलेटर होता है, वो देखेंगे, वर्किंग कंस्ट्रक्शन, एप्पल गेट डायग्राम हम लोग देखेंगे, किसका क्रिस्टोन का एप्पल गेट डायग्राम क्या होता है, रिफ्लेक्ट क्रिस्टोन का एप्पल गेट डायग्राम होता है, किस तरह ये बंच बनाता है, किस तरह से हाई आउटपुट पावर देता है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो आज का वीडियो में आपको इतना ही, थैंक यू।